नमस्कार दोस्तों, कैसे करें डॉट कॉम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं लैपटॉप्स के बारे में कि दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो हमारे लैपटॉप को ऑफ कर देते हैं, यानी कि कर देते हैं उसकी स्क्रीन डाउन, और ऐसे में जो है वो हमारा लैपटॉप जो है वो बंद हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं कि आपका लैपटॉप जो है वो बंद किया जाए, यानी कि स्क्रीन जो है उसकी बिल्कुल बंद की जाए, और लेकिन आपका लैपटॉप जो है वो बिल्कुल चलती हुई अवस्था में हो। जब भी आप उसकी स्क्रीन उठाओ, तभी के तभी आप फील करो कि आपका कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल ऑन है, यानी आपका लैपटॉप जो है वो चल रहा है। तो आज इस वीडियो को अंत तक जो है वो देखते रहिए और सीख लीजिए कैसे करें। सबसे पहले तो आपको वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया होगा, आप उसको अभी के अभी दबा लीजिए, ताकि हम आगे सीख पाएँ कि कैसे जो है वो आप लैपटॉप की स्क्रीन को बंद करने के बाद भी वो ऑफ ना हो, ऐसी सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है वो विजिट करना होगा आपके कंप्यूटर लैपटॉप के जो है वो स्टार्ट बटन पे, और वहाँ पर लिखना होगा, वहाँ पर जो है वो आपको जाना होगा कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो है वो सर्च बार में लिखना होगा LID। तो आप जो है वो LID लिख दीजिए, यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको एक मिलेगा पावर ऑप्शंस के नाम से, चेंज व्हाट क्लोज द LID डज। तो दोस्तों आप जो है वो इसको चुनाव कर लीजिए, उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको जो है वो दिखाई देने वाले हैं। लेकिन आपको जो है वो इन ऑप्शंस के बारे में पहले बताने से पहले मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि कैसे जो है वो आप इस जगह तक पहुँच सकते हैं। आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, स्टार्ट बटन पर दबाइए बटन को और कंट्रोल पैनल में चले जाइए। वहाँ से अगर आप सीधा सर्च बार आप जो है वो ना यूज़ कर पाएँ, तो आपको जो है वो सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाना है। जैसे ही आप सिस्टम एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर आपको पावर ऑप्शंस मिलेंगे। आप वहाँ से जो है वो इसके सामने का जो ऑप्शन है बिल्कुल उसका चुनाव कर लीजिए। वहाँ पर आप पावर ऑप्शंस के अंदर जो है वो बिल्कुल एंटर हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो है वो तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन होगा, चूज़ व्हाट क्लोजिंग द LED डज। इसका मतलब होता है कि आप जो है उसका चुनाव कर लीजिए, जब आपकी LED यानी आपकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की वो बंद हो तो क्या जो है वो करे। तो आप इसको जो है वो ओके कर लीजिए। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे, आपके सामने जो है वो दो तीन तरह के ऑप्शन होंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपके सामने है व्हेन आई प्रेस द पावर बटन, यानी अगर मैं पावर बटन दबाऊँ तो जो है वो क्या हो, यानी स्टार्ट और ऑफ ऑन करने का जो बटन होता है दोस्तों, ऑन या ऑफ करने का, माफ़ कीजिएगा, ऑन या ऑफ करने का जो बटन होता है दोस्तों, अगर उसको दबाया जाए चलती हुई अवस्था में तो क्या हो, यानी स्लीप मोड में चला जाए। तो दोस्तों आप जो है वो इसको तो छोड़ दीजिए, आज हम बात कर रहे हैं कि LED जो है वो दबाएं तो क्या जो है वो ऑप्शन आ जाए। तो यानी आप अपनी स्क्रीन को जो है वो इस तरह से बंद करेंगे तो क्या ऑप्शंस आएंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है स्लीप का, आप स्लीप को जो है वो डू नथिंग पे जो है वो चुनाव कर लीजिए। ये है दोस्तों आज जब आपके बैटरी पे चल रहा हो, यानी आपका लैपटॉप जो है वो बैटरी पे ऑन हो, और ये है दोस्तों प्लग्ड इन यानी जो है वो बिजली की चलती हुई अवस्था में हो। तो यहाँ पर जो है वो आप डू नथिंग का ऑप्शन चुनाव कर लीजिए और जो है वो आप सेव चेंजेस पे जो है वो क्लिक कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, आपको चुनाव करना है डू नथिंग। डू नथिंग यानी आप जो है वो अपनी स्क्रीन को जब बंद करेंगे तो जो है वो आपका लैपटॉप ऑफ या जो दोस्तों ऑन नहीं होगा, यानी जो चलती हुई अवस्था में तो वो चलती में ही रहेगा। तो आप क्लिक कर दीजिए सेव चेंजेस पे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं सेव चेंजेस पे, आपकी सेटिंग्स जो है वो बिल्कुल आसानी से सेव हो चुकी है। इसके बाद आप जब भी जो है वो अपनी स्क्रीन को बंद करने के बाद जो है वो वापस खोलेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो है वो LED बिल्कुल अच्छी तरीके से ऑन है, और आप जो है वो काम जो कर रहे थे वो बिल्कुल ऑन है। तो इस तरह से जो है वो आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन बंद करने के बावजूद भी है लैपटॉप का ऑफ होने की सेटिंग्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सीख पाए होंगे कि कैसे जो है वो हम लोग लैपटॉप्स की स्क्रीन को बंद होने के बावजूद भी ऑफ होने की सेटिंग्स को जो है वो ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे आपको एक लाइक बटन दिया है आप उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, और साथ ही साथ ये बात ध्यान रखिए कि आप इस जानकारी को शेयर बटन को चूज़ करके जो है अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, जो दोस्त आपके जो है वो इंतजार में रहते हैं इस तरह की खास जानकारियों के, और जिनको जो है वो लैपटॉप यूज़ करने की आदत है लेकिन उनको इन ऑप्शन के बारे में नहीं पता है। साथ के साथ कमेंट में डालिए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम और हो रही है, हम करेंगे आपकी हेल्प। बने रहिए हमारे साथ, सीखते रहिए कैसे करें।